हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे। हम बात करने वाले हैं जो ये आज आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो आज ये फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा इसके बारे में। तो ये मैच आज रात 11 बजे से काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टॉल में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो इस पिच की बात करें तो इस पिच पर टोटल T20 इंटरनेशनल के अभी तक 4 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 बार, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने 3 बार मैच को वॉन किया है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ से तो चेसिंग करना इस वेन्यू पर आसान है। उसके बाद हम यहाँ से बात करें एवरेज स्कोर का, तो वो 178 का रहा है इस वेन्यू का। यहाँ पे आप हाईएस्ट स्कोर देखना चाहें तो इंग्लैंड ने 234 बनाया, लोएस्ट स्कोर भी इंग्लैंड ने ही 136 बनाया है। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें यहाँ से हम, तो जो 4 मैच खेले गए हैं उसमें 150 के बिलो 2 बार स्कोर रहा है, और यहाँ पर 2 बार 190 के प्लस स्कोर बनाए हैं, तो एक अच्छी बैटिंग विकेट है। अब जो लास्ट मैच खेला गया है इस वेन्यू पर, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ से, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में जो लास्ट मैच खेला गया था उसमें इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 234 बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, जिसको चेस करते हुए भी साउथ अफ्रीका 190 के आसपास पहुँच गई थी। यहाँ पे 193 बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, तो एक अच्छी बैटिंग विकेट है। अगर आप देखेंगे तो दोनों इनिंग में अच्छा स्कोर बनाया है। और यहाँ पर स्पिन और पेस की बात करें तो स्पिनर को इस मैच में 3 विकेट मिले थे, और यहाँ पे पेसर को 10 मिले थे। तो जो स्पिनर को विकेट मिले थे वो सेकंड इनिंग में मिले थे, फर्स्ट इनिंग में पेसर को ही विकेट मिले थे। यानी कि इस वेन्यू पे पेसर को अच्छी खासी हेल्प है। तो हम आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अब आयरलैंड की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो इनकी कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 रह सकती है। यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग, एंड्रयू बेलबरिन ओपन करेंगे, कप्तान है। उसके बाद गर्थ डेनली हैं, हैरी टेक्टर हैं, कर्टिस कैम्फर है, लॉरकन टकर हैं, जॉर्ज डॉकरेल हैं, एनडीएमसी ब्राइन है, यहाँ पे मार्क अडेयर हैं, बैरी मकैर्थी हैं, जसुआ लिटिल हैं। तो कुछ इस तरह की इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई खेलता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर अभी चांसेस कम हैं इन लोगों के खेलने के। तो अब हम यहाँ से प्लेयर स्टार्ट और रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्लेयर स्टार्ट देख लेते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं लॉरकन टकर 35 मैच खेले उन्होंने T20 के, 31 इनिंग में 467 रन, 16 लाख के एवरेज से रन बनाए हैं। उसके बाद स्टेफन दोहिनी है, इनका डोमेस्टिक में रिकॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है, पर अभी इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने नहीं खेले हैं। डोमेस्टिक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ से, अगर खेलते हैं तो 37 मैच खेले हैं, 36 इनिंग में 1082 रन, 34 के एवरेज से रन बनाए, तो रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रखते हैं डोमेस्टिक में। अगर खेलते हैं तो आप GL में इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैटिंग की बात करें तो एंडी बेलबरी ने यहाँ पर 71 मैच खेले हैं, 68 इनिंग में 1521 रन, 23 का एवरेज है। प्लेयर की बात करें तो प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, पर इनका रीसेंट फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे पॉल स्टर्लिंग है, 107 मैच 106 इनिंग 2894 रन, 29 का एवरेज, तो आयरलैंड के सबसे मेन बल्लेबाज हैं ये। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप 107 मैच की 41 इनिंग में गेंदबाजी भी की है, जिसमें 20 विकेट है, तो गेंदबाजी पार्ट टाइम ही कराते हैं, गेंदबाजी से आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत करना। उसके बाद यहाँ पे हैरी टेक्टर हैं, 37 मैच खेले हैं 34 इनिंग में 673 रन, 25 का एवरेज, तो अभी रिसेंट में बात करें तो आयरलैंड के तरफ से सबसे अच्छा क्रिकेट यही खेल रहे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें यहाँ पे गर्थ डेनली हैं, 21 के एवरेज से रन बनाए इन्होंने। उसके बाद 42 मैच की 28 इनिंग में 19 विकेट भी हैं, तो बॉलिंग ये भी कम कराते हैं, पार्ट टाइम ही कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर्टिस कैम्फर का देखेंगे तो 15 मैच 14 इनिंग 231 रन, 21 का एवरेज, 15 मैच की 15 इनिंग में गेंदबाजी की है, जिसमें 16 विकेट भी हैं। उसके बाद जॉर्ज डॉकरेल का आप देख सकते हैं यहाँ से, 97 मैच खेले हैं 54 इनिंग 508 रन, 15 का एवरेज, 97 मैच की 76 इनिंग में 78 विकेट भी हैं। उसके बाद यहाँ पे फिन हैंड अगर खेलते हैं तो डोमेस्टिक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, 20 मैच की 11 इनिंग 181 रन, 26 का एवरेज, 20 मैच की 19 इनिंग में 18 विकेट भी हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग में आप देख सकते हैं मार्क अडेयर हैं, यहाँ पे 44 मैच 33 इनिंग 368 रन, 16 का एवरेज, तो ये बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं, 44 मैच की 44 इनिंग में 64 विकेट भी लिए हैं, तो ये भी मैन इनके बॉलर हैं, आप ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं, वैसे आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे। उसके बाद एनडीएमसी ब्राइन है, यहाँ पे 28 मैच 16 इनिंग 143 रन, 14 का एवरेज, 28 मैच की 22 इनिंग में 21 विकेट भी हैं। उसके बाद जसुआ लिटिल 39 मैच 38 इनिंग 42 विकेट, यहाँ पे बैरी मकैर्थी 22 मैच 20 विकेट, ग्राम हमें अगर खेलते हैं तो ये भी एक बैटिंग कर लेते हैं, अच्छे हैं, अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं इनका
34 मैच की 19 इनिंग में 245 रन, 18 के एवरेज से रन बनाए इन्होंने डोमेस्टिक में। उसके बाद यहाँ पे 34 मैच की 34 इनिंग में 43 विकेट भी हैं इनके नाम, तो ये एक अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर के बारे में। तो यहाँ पे क्विंटन डीकॉक, रिजा हेंड्रिक्स ओपन करने वाले हैं। उसके बाद रिली रसो हैं, हेनरिच क्लासेन हैं, डेविड मिलर हैं जो कप्तानी कर रहे हैं, उसके ट्रिस्टन स्टोप्स हैं, एंड्रिल फेलकुवायो हैं, केशव महाराज हैं, लुंगी नगीडी हैं, और यहाँ से तबरेज शम्सी हैं, एंड्रिल नोर्टेज हैं। तो किस तरह की इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है, अगर इनमें से कोई खेलता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर अभी चांसेस कम है, इनके बारे में अभी कोई न्यूज नहीं आई है। वैसे स्क्वाड में है, खेल सकते हैं कोई भी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से प्लेयर स्टार्ट देख लेते हैं अब इनके साउथ अफ्रीका के प्लेयर के बारे में, सॉरी साउथ अफ्रीका के प्लेयर का प्लेयर स्टार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से इनके स्टार्ट से देख सकते हैं, क्विंटन डीकॉक 32 का एवरेज रखते हैं T20 में, अच्छे प्लेयर हैं, 65 मैच की 64 इनिंग 1865 रन। हेनरिच क्लासेन 24 का एवरेज है, 33 मैच 29 इनिंग 587 रन। उसके बाद यहाँ से रसवेंडर डसन खेलते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, 38 का एवरेज रखते हैं, और अभी आप देखेंगे तो रिसेंट में अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद एडन मार्कराम है यहाँ पे, 20 मैच 18 इनिंग 588 रन, 39 के एवरेज से रन बनाए इन्होंने भी, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। 20 मैच की 8 इनिंग में गेंदबाजी की है जिसमें 5 विकेट हैं, तो पार्ट टाइम बॉलिंग भी करा लेते हैं ये। उसके बाद रेजा हेंड्रिक्स हैं, 44 मैच 43 इनिंग 1133 रन, 27 का एवरेज, और अभी आप रिसेंट में देखेंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच खेले इन्होंने, 3 के तीनों मैच में 50 प्लस स्कोर किया, तो काफ़ी अच्छा फॉर्म है इनका। उसके बाद यहाँ पे रिली रसो 16 मैच 15 इनिंग 331 रन, 27 का एवरेज। उसके बाद यहाँ पे डेविड मिलर हैं, 101 मैच खेले इन्होंने 88 इनिंग में 1890 रन, 32 का एवरेज, तो इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। उसका ट्रिस्टन स्टूप्स हैं, 3 मैच 1 इनिंग 72 रन, 72 का एवरेज। T20 मैं इनके डोमेस्टिक का रिकॉर्ड लिखना भूल गया, तो आप यहाँ से समझ लेना। उसके बाद वैसे प्लेयर अच्छे हैं ये भी, अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छा किया है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ऑलराउंडर के बारे में, तो व्यान परनेल 43 मैच 15 इनिंग 137 रन, 27 का एवरेज, 43 मैच की 42 इनिंग में 43 विकेट भी हैं, अगर खेलते हैं तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद ड्वेन प्रिटोरिया 27 मैच 15 इनिंग 223 रन, 20 का एवरेज, 27 मैच की 24 इनिंग में गेंदबाजी की है जिसमें 28 विकेट भी हैं, तो ये भी अच्छे ऑलराउंडर हैं। उसके बाद एंडेल फेलकुवायो 36 मैच 21 इनिंग 149 रन, 9 का एवरेज, तो बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं है, पर बॉलिंग से देखेंगे तो 36 मैच 33 इनिंग 41 विकेट, तो बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद कागिसो रबाड़ा अगर खेलते हैं तो 46 मैच 18 इनिंग 130 रन, 21 का एवरेज, तो ये थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, 46 मैच की 46 इनिंग 52 विकेट। उसके बाद एंड्रिल नोर्टेज हैं यहाँ पे, 21 मैच की 20 इनिंग में 22 विकेट ले चुके हैं। ग्रैल्ड कॉटजे अगर खेलते हैं तो 21 मैच की 21 इनिंग 24 विकेट, ये डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल अभी इन्होंने नहीं खेला है। उसके बाद केशव महाराज 15 मैच 15 इनिंग 11 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है ये। उसके बाद तबरेज शम्सी 53 मैच 53 इनिंग 61 विकेट, लेफ्ट आर्म चाइना मैन गेंदबाज हैं। उसके बाद लुंगी नगीडी का देखेंगे तो 27 मैच 27 इनिंग 47 विकेट, तो इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे शम्सी का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड प्लेयर के बारे में, सॉरी हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं हम इन दोनों टीम का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों टीम ने अभी तक टोटल हेड टू हेड में 3 मैच खेले हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 बार और 3 मैच विन किए हैं। यहाँ पे आयरलैंड की टीम ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोनों का, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम आयरलैंड के प्लेयर का देखते हैं, तो जो दोस्तों खेले हुए हैं हेड टू हेड में मैंने उन्हीं के रिकॉर्ड लिखे हैं, और जिसने नहीं खेला है तो मैंने उनके रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, तो आप लोग समझ लेना। उसके बाद तो हम यहाँ से देख लेते हैं आप, तो एंड्रयू बेलब्रीन 3 मैच खेले इन्होंने हेड टू हेड में, 55 रन बनाए 18 के एवरेज से, इस वेन्यू पे नहीं खेला। इस वेन्यू पे की बात करें तो इस वेन्यू पे आयरलैंड के किसी भी प्लेयर ने नहीं खेला है, तो आप हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं। पॉल स्टर्लिंग का आप देख सकते हैं, 3 मैच 43 रन हेड टू हेड में, 14 के एवरेज से रन बनाया। उसके बाद हैरी टेक्टर का देखेंगे तो 3 मैच हेड टू हेड 44 रन 14 का एवरेज। तो हेड टू हेड की बात करें तो इनके आयरलैंड के किसी भी प्लेयर के हेड टू हेड में रिकॉर्ड ज़्यादा खास नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लॉरकन टकर 3 मैच हेड टू हेड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें 36 रन 12 का एवरेज। मार्क अडेर का देखेंगे तो 3 मैच 5 विकेट, बैटिंग इन्होंने नहीं की है पर बॉलिंग से ठीक ठाक रिकॉर्ड इनका। उसके बाद बैरी मकेर्ती 2 मैचों में 1 विकेट। यहाँ पर जसुआ लिटिल 2 मैच 3 विकेट,
क्रेग यंग 2 मैच 1 विकेट। तो ये कुछ प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड था जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका के प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्विंटन डीकॉक 2 मैच खेले हेड टू हेड में आयरलैंड के खिलाफ, जिसमें 47 रन बनाए 23 के एवरेज से। इस वेन्यू पे 1 मैच खेला जिसमें सिर्फ 2 रन बनाए हैं। अब आगे बात करें यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स, 1 मैच खेला हेड टू हेड में, 69 रन 69 का एवरेज, और इस वेन्यू पे भी 1 मैच खेला जिसमें 57 रन है, तो इनका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद रसिवेंदर डसन का देखेंगे तो 2 मैच 31 रन 15 का एवरेज, इस वेन्यू पे खेला नहीं है। एडम मार्कराम 3 मैच खेले हेड टू हेड में, 50 रन 23 का एवरेज, हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट भी है, इस वेन्यू पे नहीं खेला है। उसके बाद ट्रिस्टन स्टूब है, हेड टू हेड में उन्होंने अभी तक नहीं खेला है। इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसमें 72 रन बनाया। उसके बाद आंडल फेल्कुवायो 1 मैच 1 विकेट हेड टू हेड, इस वेन्यू पे भी 1 मैच 1 विकेट। उसके बाद लोंगी नगुइली है यहाँ पे हेड टू हेड में 2 मैच 3 विकेट, इस वेन्यू पे देखेंगे तो 1 मैच में 5 विकेट हैं, जो अभी रिसेंट में ही इंग्लैंड के खिलाफ लेके गए थे। उसके बाद यहाँ पे तबरेज शम्सी का देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे 2 मैचों में 7 विकेट हैं आयरलैंड के खिलाफ, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना, इनको आप जीएल में सीबीसी भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इस वेन्यू पे बात करें तो वेन्यू पे इन्होंने भी अभी तक नहीं खेला है। तो दोस्तों अब हम अपनी टीम देख लेते हैं, पर उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है। तो आप लोगों का टेलीग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्विंटन डीकॉक, हेनरिच क्लासिन, स्टेफन दोहिनी, लॉरकन टकर। तो जो स्मॉल लीग के लिए जो अच्छे ऑप्शन यहाँ से हैं वो क्विंटन डीकॉक तो मस्ट पिक रहेंगे, आप इनको लेके ही चलें, मैंने इनको ही लिया है। उसके बाद हेनरिच क्लासिन अच्छे हो सकते हैं तो आप इनको जीएल में ट्राई करें, स्मॉल लीग के लिए ये भी थोड़े रिस्की रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें स्टेफन दोहिनी, अगर स्टेफन दोहिनी का भी खेलने का कंफर्म नहीं है, उसके बाद लॉरकन टकर हैं तो आप इनको भी जीएल में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए ये भी अभी उतने अच्छे नहीं रहेंगे, तो यहाँ से हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्विंटन डीकॉक को ही लेना है। उसके बाद हेनरिच क्लासिन अच्छे हो सकते हैं तो आप इनको जीएल में ट्राई करें। उसके बाद बैटिंग में बात करें तो मैंने यहाँ से हैरी टेक्टर को लिया है, पॉल स्ट्रिंग को लिया है, रिजा हेंड्रिक्स को लिया है, उसके बाद रली रसो को लिया है। तो यहाँ पे हम बात करें तो हैरी टेक्टर का रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इनको फ़िलहाल मैंने लिया है, और अभी रिसेंट में सबसे अच्छा क्रिकेट यही खेल रहे हैं। उसके बाद पॉल स्ट्रिंग हिट और मिस टाइप के प्लेयर हैं, अगर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा खेलेंगे, वरना जल्दी भी आउट हो जाते हैं, तो फ़िलहाल के लिए मैंने लिया है इनको। उसके बाद यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें 3 मैच खेले, तीनों में 50+ स्कोर करके आ रहे हैं, तो इनका रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी बेहतर, तो मैंने इनको लिया है। उसके बाद रली रिसो को लिया है, जो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और अभी इन्होंने रीसेंट में इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला है, उससे पहले भी T20 ब्लास्ट में खेला है, तो इंग्लैंड में अभी काफ़ी इन्होंने क्रिकेट खेला भी है, तो ये भी अच्छे हो सकते हैं, इनको मैंने लिया। उसके बाद दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बैटिंग करती है तो फिर एडम मार्कराम भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, तो फिर हम इनको भी लेके चलेंगे, पर अभी के लिए मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका की टीम चेस करती है तो हो सकता है फिर उनको उतना ज़्यादा खेलने का मौका ना मिले, तो फ़िलहाल के लिए मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका चेस करेगी, तो फ़िलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है, पर फाइनल टीम में देखेंगे, हो सकता है मैं इनको अपनी टीम में लेके जाऊं। उसके बाद यहाँ पे बात करें दोस्तों एंड्रयू बेलबरीन, प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं पर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं, रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इनको जीएल में ही ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे जॉर्ज डॉकरेल भी जीएल पे एक बनेंगे, क्योंकि अभी जो रीसेंट में T20 इन्होंने खेला है उसमें बॉलिंग भी कराई है, तो ये एक अच्छे हो सकते हैं जीएल के लिए। उसके बाद डेविड मिलर की बात करें तो बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही है इनकी, तो आप इनको भी जीएल में ही ट्राई करें, और अपने आप को डिमोट भी करना है, तो ये भी एक जीएल के पिक रहेंगे। उसके बाद रसिवेंडर डुसैन अगर खेल जाते हैं तो ये एक मस्ट पिक रहेंगे फिर स्मॉल लीग में भी, पर फिलहाल के लिए इनका कंफर्म नहीं है खेलेंगे या नहीं। उसके बाद टी स्टूब से दोस्तों, तो आप इनको भी जीएल में ज़रूर ट्राई करना, अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें, यहाँ पे ऑलराउंडर में फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कर्टिस कैम्फर को लिया है, एंडर फेल क्वायो को लिया, अगर ड्यूएन प्रिटोरियस खेलते हैं तो फिर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, पर अभी इनके चांसेस कम है। उसके बाद यहाँ पे एमसी ब्रायन है, ये भी जीएल पिक बनेंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ये बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद जी डिलानी की बात करें तो इनका भी रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहें ट्रंप के तौर पर तो कर सकते हैं, 1 डाउन बैटिंग भी करेंगे और हो सकता है 1-2 ओवर बॉलिंग भी करा जाएँ, पर फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से नहीं लिया। उसके बाद बॉलिंग की बात करें
उसके बाद दोस्तों बॉलिंग में बात करें तो यहाँ से मैंने तबरेज़ शम्सी, मार्क अडेर और यहाँ से लुंगी नगीड़ी को लिया है। जो अच्छे ऑप्शन स्मॉल लीग के रहेंगे वो यहाँ से जसवाल लिटिल हैं, वो आप ले सकते हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आयरलैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग करे तो फिर ये डेथ पे भी आते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इनको नहीं लिया है, मैंने यहाँ से इन तीनों को लिया है। उसके बाद नीचे से मैंने एंड्रे नॉर्टेजे को लिया है, जो एक मस्ट पिक रहेंगे। अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बॉलिंग कराए तो फिर ये डेथ में भी आएंगे, क्योंकि शायद अभी रबाड़ा नहीं खेलेंगे तो अभी इनके चांसेस कम हैं, तो मैंने यहाँ से नॉर्टेजे को लिया है। आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो नॉर्टेजे की जगह आप लोग ले सकते हैं लिटिल को भी, पर फिलहाल मैंने नॉर्टेजे को लिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करें केशव महाराज जीएल पिक बनेंगे, तो आप इनको जीएल में ही ट्राई करना। उसके बाद बी मकैरती हैं, ये भी खेलेंगे तो आप इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं, ये जीएल पिक रहेंगे तो आप इनको जीएल में ट्राई करें। उसके बाद व्यान परनेल अगर खेलते हैं तो फिर ये स्मॉल लीग में भी अच्छे रहेंगे, पर अभी इनके चांसेस कम हैं तो फिलहाल मैंने यहाँ से नहीं लिया। उसके बाद नीचे कोई खेलता है तो जीएल पिक ही रहेंगे, तो आप इनको जीएल में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए जो मेरी टीम बन रही है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी क्विंटन डी कॉक को दी है, वाइस कैप्टनसी कटिस कैम्फर को किया है। आपके पास जो अदर ऑप्शन है वो यहाँ से रेली रसौर रहेंगे और यहाँ पे तबरेज शम्सी रहेंगे, तो आप इनमें से भी ट्राई कर सकते हैं। लोग बाग रिजा हेंड्रिक्स को भी बना रहे हैं, अगर आप लोग बनाना चाहें तो इनको भी कर सकते हैं, पर मैं बोलूँगा आप लोग इन चारों में से ही बनाएँ, वही सेफ रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्विंटन डी कॉक कटिस कैम्फर को किया। अगर इस टीम में कुछ भी चेंज करूँगा तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो दोस्तों पूरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।